सो वेलकम बैक। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वह है आपको स्थलीय आवास एवं जलीय आवास एवं वायवीय आवास। तो आपको यहाँ पर आसानी से दिख रहा होगा कि लिखा क्या हुआ है स्थलीय आवास और इसके बाद लिखा क्या हुआ है तो जलीय आवास लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम जानेंगे जलीय आवास क्या होता है और इसके बाद हम जानेंगे वायवीय आवास क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यार आवास आखिर होता क्या, तब आपको बहुत ही मतलब समझ आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार आवास ना आखिर होता क्या है। यहाँ पर आवास लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आवास और यहाँ पर भी आवास। तो थोड़ी सी हम इसको क्लियर करते हैं और हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो घर होता है वहाँ पर हम रहते हैं, तो उसी प्रकार हमारे अन्य जीवों को रहने के लिए घर होता है। तो आवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। अगर आसानी से अगर देहात के बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो घर द्वार, ठीक है। तो आपको आवास का मतलब क्या होता है, तो घर द्वार होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बात आसानी से आ चुकी होगी। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, बहुत ही मस्त है, जो कि हम इन तीनों का स्टडी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म साइंस महल। तो चलिए स्टार्ट होता है स्थलीय आवास की ओर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख के रख रखा है स्थलीय आवास। क्लियर। तो अब हम इसका परिभाषा से समझते हैं। देखिए मैं आपको स्थलीय का मतलब होता है ज़मीन। तो ज़मीन पर जितने भी जंतु रहेंगे वे आपको कहलाएंगे, यानी मिट्टी पर जो रहेंगे वे आपको कहलाएंगे स्थलीय आवास। अब बात आती है कि यार सब तो भूमि पर ही है, लेकिन याद रखना भाई, मेरे भाई, भूमि पर भी आधा जले हैं, ठीक है। तो स्थलीय आवास क्या कहेंगे, जो मिट्टी पर रहते हैं। तो एग्जाम्पल आप परिभाषा देख सकते हैं स्थलीय आवास का कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए। तो परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार की है, आप देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि ज़मीन पर रहने वाले जीवों का आवास। तो ज़मीन पर जितने भी रहते हैं उन जीवों का घर आपको कहलाता है स्थलीय आवास। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है, आप देखने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा क्या हुआ है, हाथी, हाथी, मनुष्य, गाय, भैंस, और इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं बकरी, भेड़, चित्ता, शेर, बाघ, ऊँट। गाइज हमारा जो ऊँट होता है ना वह आपको रेगिस्तान में होता है। तो रेगिस्तान जो बालुआ होती है ये बालू को हम कहते हैं मरुस्थल, लेकिन यह बालू को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल, मरु कहते हैं, लेकिन यहाँ अगर यह स्थल इस पर इसका वहीं घर ही रहता है तो उसको कहेंगे मरुस्थल, ठीक है। तो हमारा जो ऊँट होता है वह कहाँ पर रहता है, मरुस्थल पर, यानी बलुआई जगह पर यह रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि स्थलीय आवास हम किसको कहते हैं, यानी ज़मीन पर घर को क्या बोलेंगे हम, स्थलीय आवास। क्लियर। तो यहाँ पर आप कौन कौन से जंतु हैं जो कि आप ज़मीन पर रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला तो हाथी है और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, हाथी हो गया और मनुष्य हो गया और गाय हो गया और भैंस हो गया, और इसके बाद आप देख सकते हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं बकरी, भेड़ और चीता, शेर और बाघ, ऊँट और हिरन और जिराफ और इत्यादि, ठीक है। तो ये सब आपको आसानी से देखने को मिल रहा होगा, आप देखने का प्रयास कीजिए। तो स्थलीय आवास तो हम समझ लिए, अब हम चलिए समझते हैं जलीय आवास आखिर होता क्या है। क्लियर। तो जलीय आवास को अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा होगा कि जलीय आवास हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जलीय आवास आसानी से दिख रहा है। देखिए जलीय कहने का मतलब जल, और मतलब जिसका जल में घर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जलीय आवास। तो देखिए आप यहाँ पर परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार की है कि पानी में रहने वाले जीवों का घर क्या कहलाता है, जलीय आवास। तो अब आपको बात ये भी आती है कि यार पानी में जो जो आपके जंतु रहते हैं कुछ इस प्रकार के हैं, मछली, मेढक, केकड़ा और घोंघा। तो ये सब जंतुओं का जो घर होता है ना वे आपको कहाँ पर होता है, जल में होता है। तो जल को हम पानी भी कहते हैं और पानी को हम जलीय भी कहते हैं। इनको इसलिए जलीय आवास कहते हैं क्योंकि ये जल में रहते हैं। और मेरे साथ ही हमारा जो जलीय आवास होता है ना वे दो कैटेगरी में बटा होता है, वे दो भागों में बटा होता है। यहाँ पर दो भागों में वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है, आप यहाँ पर देखिए कि लिखा क्या हुआ है। ओहो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी, हम यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जलीय आवास दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों मृदुल, यहाँ पर कह सकते हैं मृदु जल, और इसके बाद होता है समुद्री जल, ठीक है। तो अब बात आती है कि मृदु जल आखिर होता क्या है और समुद्री जल आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम आपको इसको समझाते हैं कि यह आखिर होता क्या है। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है मृदु जल कुछ की इस प्रकार की परिभाषा, कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि मीठे जल वाले को हम क्या बोलेंगे, मृदु जल, ठीक है। तो जैसे मीठे जल कहाँ कहाँ पर रहते हैं, तो नदी हो गया,
तालाब हो गया और झील हो गया और नहर हो गया, ठीक है। तो इनमें जो जंतुएँ पाए जाते हैं ना, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इनमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ी ना इतने ही जान रहे हैं कि मेंढक, केवल, केकड़ा, ये सब पाए, और भी बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। तो इनमें तरह तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और वनस्पतियाँ यानी उसमें ना पेड़ पौधे भी पाए जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मछली पाई जाती है क्या यहाँ पर, तो समुद्र में ही पाई जाती है। तो मृदु जल में हमारा मछली भी पाया जाता है, और मेढक भी, केकड़ा भी, और घेंगा भी, और फूल भी। तो फूल क्या हो गया, वनस्पति हो गया, ठीक है। तो अब ये तो था पहला मृदु जल, और अब हम समझते हैं दोस्तों समुद्री जल। तो अब समुद्री जल का जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार के, यहाँ पर आपको दिख रहा है समुद्री जल, ओके दिख रहा है। तो समुद्री जल को हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं लवणीय जल, ठीक है। तो लवणीय जल कह सकते हैं, या हम आसानी से कह सकते हैं खारे जल। तो खारे जल में क्या होता है ना कि कई प्रजातियाँ मछलियाँ के पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे मछलियाँ हैं जो कि खारे जल में उनका मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ मछलियाँ ऐसे हैं जो कि खारे जल में रहना पसंद करती है। तो समुद्री जल में मतलब हम कह सकते हैं लवणीय जल, समुद्री जल को हम कह सकते हैं लवणीय जल या कह सकते हैं खारे जल, क्लियर, हम ये कह सकते हैं। और उसमें भी मछलियाँ पाई जाती है, और केकड़े तथा वनस्पतियाँ उसमें भी मिलती है। तो यहाँ पर जो कुछ जीवों का नाम है जो कि इन मतलब यहाँ पर समुद्रियों में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, ये भी क्या है, ये मतलब ये एक तरह का जीव होता है जो कि आपको आठ मतलब उसका आठ को भाग होता है, आठ तरह की एक हाथे होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके बाद आता है डॉल्फिन, जो कि ये आपको कहाँ पाई जाती है, ये आपको लवणीय जल में पाई जाती है। इसके बाद हवेल मछली भी जो है, ये आपको मछली है, और यह एक तरह का जीव है जो कि मतलब कह सकते हैं कीटाणु है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वनस्पतियाँ भी है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आंवला, तो खारे जल में आंवला भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बातें आई कि नहीं आई, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी समुद्री, कह सकते हैं आपका क्या था, जलीय आवास था। अब हम समझते हैं, देखिए, और लास्ट और अंतिम जो आवास था वह है आपको वायवीय आवास। क्या है वायवीय आवास, आखिर होता क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, वायवीय आवास। तो मेरे प्यारे साथी, वायवीय आवास हम किसको कहेंगे? तो अब आप देख सकते हैं कि हवा में रहने वाले जीवों का आवास, जिसका मतलब हवा में घर होगा ना, उसको ही हम कहते हैं वायवीय आवास, ठीक है। तो अब आपको तो इतना पता ही हो गया कि यार वायवीय आवास, हम वायु में किसका घर रहता है, हम लोग का घर रहता है नहीं ना यार, पंछी का होता है। तो पंछी जो है क्या है, एक वायवीय आवास में रहता है, उसका क्या होता है, पेड़ों पर रहता है, तो वह वायुमंडल में ही रहता है, ठीक है। तो यह आपको समझ आई कि नहीं आई? तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब आसानी से आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की है, और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था मेरा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे यह होगा कि मुझे खुशियाँ बहुत होती है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहना और जुड़े रहना, और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त हुआ।